हेलो फ्रेंड्स, हेलमा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ, ये है सीताफल का बीज। तो मैंने जैसे आपने पहले भी आपको बताया है कि इसको आप रोस्ट करके कैसे रख सकते हो, और इसके कई सारे नाम हैं। जैसे कि हमारे इधर तो सीताफल बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, बट हमारे इधर इसको सीताफल ही बोलते हैं। और कुछ लोग इसको कद्दू का बीज भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको पम्पकिन सीड्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको पेठे का बीज भी बोलते हैं। अभी आप देख लो आपके इधर क्या बोलते हैं, या फिर आप गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि हमारे इधर तो इसको पेठा ही बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको जब हम रोस्ट करके रखते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चलता है, और काफ़ी टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है रोस्ट करके। कच्चा इतना अच्छा नहीं लगता, पर रोस्ट करके काफ़ी टेस्टी हो जाता है इसका बीज। तो लंबा टाइम भी चलता है, आप बाहर रख के ही लंबा टाइम खा सकते हो, और बिना रोस्ट किए तो फिर आपको फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा इसको। आप सुन सकते हो इसमें से कुछ आवाज़ें आ रही है, ये जब भून जाता है तो इसमें से ऐसी आवाज़ें आती हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपके इधर इसको क्या बोलते हैं। और वैसे तो इसका नाम सीताफल का बीज है, कुछ लोग पम्पकिन सीड्स बोलते हैं, कुछ लोग कद्दू का बीज भी बोलते हैं, कुछ लोग पेठा भी बोलते हैं इसको। तो आप पहले सर्च करो और देखो कि आपके इधर क्या बोलते हैं और कौन सी भाषा में इसको क्या नाम से बुलाते हैं, उसके बाद आप मुझे पूछो कि इसको आपने ऐसा क्यों नाम दिया है और इसका हेड नाम चेंज करो, ऐसे बोलना। पहले आप देख लो, उसके बाद मुझे बोलना, फिर मैं ज़रूर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ ऐसे भी होता है। सो पहले आप देखो, जानो, उसके बाद मुझे बोलो कि आप ऐसे करो, ठीक है? आपके बोलने के लिए थैंक यू, बाय बाय।